जगह पर कॉफी कल्टीवेशन हो रही है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टीम को साथ में लेकर जो भी कंसर्न है इसके उनको साथ लेकर हमने यहाँ पर आज वो डिस्ट्रॉय की है। तो इनको पैनल एक्शन भी हो जाएगा, क्योंकि हमने पिछली बार भी इनको बोला था कि जिस जिसके घर में है वो खुद ब खुद इस कास्ट को ख़त्म करें, अदरवाइज पैनल एक्शन होगा, आपके खिलाफ लीगल एक्शन होगा और इंशाल्लाह इनके खिलाफ भी लीगल एक्शन होगा। और मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप बढ़ चढ़ कर इसमें हमारा साथ दें। जहां जहां पर आपको लग रहा है ऐसी कल्टीवेशन हो रही है या ड्रग एब्यूज़ हो रही है या कोई ड्रग सेल या परचेज़ कर रहा है, जहां पर भी आपको लग रहा है काइंडली हमें इन्फॉर्मेशन दें। पुलिस स्टेशन सोपोर का नंबर आपको पता है, तो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन में आप किसी को भी कॉल करके ये इतला दे सकते हैं और ये आपको इंश्योर किया जाता है, एश्योरेंस दी जाती है कि आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। काइंडली हमें ये ड्रग मिनास यहाँ से इरेडिकेट करने में मदद करें। सर, सोपोर में काफ़ी सारे केसेस बढ़ रहे हैं ड्रग को लेके, सर युवा गलत रास्ते पे आ रहे हैं, सर पेरेंट्स से कहीं पे ये भी साबित हो रहा है सर कि पेरेंट्स सर अपने फ़राइज़ को निभाने में, सर देखिए जनाब ये एक ऐसा मिनेस है जिसको इंडिविजुअली कोई भी इंसान ख़त्म नहीं कर सकता, ये कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एज अ पेरेंट मेरी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एज ए पुलिस ऑफिसर मेरी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एज मीडिया पर्सन आपकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे ज़्यादा मैं पेरेंट्स को कहूँगा कि अपने बच्चों को देखें, उनके बिहेवियरल चेंज को देखें। जैसे ही आपको कोई बिहेवियरल चेंज लगती है प्लीज़ एंड प्लीज़ एंड प्लीज़ कंसल्ट करें जो भी इस माशरे के डॉक्टर्स हैं या सीनियर्स हैं या पुलिस है, आप कंसल्ट कर लें। बिहेवियरल चेंज जो भी आपके बच्चों में है उन पर ध्यान रखें। बहुत सारे मिनेसेस और भी हैं, वो आप बखूबी जानते हैं, पिछले 30 सालों से हम एक मिनेस से जूझ रहे हैं। उसके बारे में भी मैं यही कहूंगा पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को ध्यान रखें, उनको तालीम दें और उनसे बात करें, उनको अलग थलग ना रखें, उनको आइसोलेटेड ना बताएं। ज़्यादातर जो केसेस हैं उनमें यही होता है कि जो बच्चे होते हैं उनको लग रहा है दैट वी आर डिप्राइव्ड ऑफ लव एंड अदर थिंग्स।